इरवावी। आओ आओ सुनो कहानी जहाँ है डरपोक राजा, बहादुर रानी और उड़ती मछली और तैरती शेरनी। आओ आओ सुनो कहानी। गांव वाले बहुत उत्साहित है क्योंकि विद्युत विभाग के लोग उनके गांव में खंबे लगाने आते हैं। हर रोज जब कर्मचारी आते तो गांव वाले भी वहां आकर इकट्ठे हो जाते और बड़ी ही उत्सुकता से उन्हें देखते, खंबे लगाने में उनकी मदद भी करते। लेकिन खंबों पर तार लगने से पहले ही कर्मचारी गायब हो गए। गांव वाले उनके आने का इंतजार करते रहे पर वे वापस नहीं आए और गांव में बिजली आने की उम्मीदें टूटने लगी। अब गांव वाले इन 5 खंभों का क्या करेंगे? जानते हैं कहानी से 5 खंभों वाला गांव। कहानी लिखी है मुकेश मालवीय, चित्र बनाए हैं प्रोइति रॉय, प्रकाशन रूम टू रीड। कहानी सुना रही है असावरी दोषी। और ऐसी बहुत सारी कहानियाँ, साइंस आर्टिकल्स सुनने के लिए हमारी वेबसाइट पर ज़रूर आइएगा www.books-that-speak.com। चलिए गांव चलते हैं। एक गांव में बिजली के खंभे लगाए जा रहे थे। खंभों को लगाना पूरे गांव के लिए अनोखी बात थी। रोजाना खंभे के लिए एक गड्ढा खोदा जाता। सारा गांव उस समय वहां इकट्ठा हो जाता। गड्ढे में रस्सियों के सहारे खंभा खड़ा किया जाता। खंभे खड़े करने में गांव मदद करता। बच्चे भी बड़ी मेहनत से रस्सियां खींचते। इस तरह 5 खंभे खड़े हो चुके थे। अचानक खंभे गाड़ने वाले चले गए। गांव वाले रोज उनके लौटने का इंतजार करते, बिजली से जुड़ी खूब सारी बातें करते। धीरे धीरे लोग इन खंभों पर चढ़ने उतरने लगे। इन पर चढ़कर दूर के गांव के नज़ारे देखते। इस तरह कई दिन बीत गए। एक शाम एक बच्चा घर के सामने वाले खंभे पर चढ़ा, उस पर अपने घर की जलती लालटेन टांग दी। खंभे पर जलती लालटेन पूरे गांव ने देखी। अगली शाम 5 खंभों पर जलती हुई लालटेन लगाई गई। खंभों पर लालटेन लगाने का काम रोजाना किया जाता। इसमें उन्हें बहुत मजा आता। आसपास के गांवों से ये गांव रात में भी दिखता। वे लोग इसे 5 खंभों वाला गांव कहने लगे। कहानी खत्म। मुझे और एक सुनिए, उसके बाद और एक। अच्छा अच्छा, आपको भी सुननी है ना और कहानियाँ? तो चलो मेरे साथ www.books-that-speak.com पर। एरवावी।